हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ एस के पटेल, और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 9। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। आज हम लोग पढ़ेंगे सबस्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप से जब सबस्टिट्यूशन करते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एमीन। जब हम लोग एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल के उपस्थिति में ट्रीट करते हैं यानी हीट करते हैं तो हम लोगों को अमीन प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ इथेनॉल एल्कोहल के उपस्थिति में हीट करते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है RnH2+HX। ये हो गया अमीन, अमीन प्राप्त हुआ। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होता है। जब चूंकि हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक मोल तो लेंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अधिक रहेगा, यानी कि ये जो है एक्सेस अमाउंट में रहता है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ये जो है आपका, इसके पास लोन पेयर होता है न्यूक्लियोफिल के पास, और यहां जो है ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है हैलोजन। तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस पे डेल माइनस आ जाता है और इस पे डेल प्लस आ जाता है, और नाइट्रोजन जो है आकर के इस पे अटैक कर देता है NH3 न्यूक्लियोफिल, तब जाकर के ये यहां से बाहर हो जाता है और आपका बन जाता है अमीन। ये पुनः फिर चूंकि अमाउंट यहां पे लोन पेयर है ही और ये जो है एक्सेस अमाउंट में होता है तो RX पुनः फिर इसके साथ रिएक्शन करके और इसके दूसरे हाइड्रोजन को हटा लेता है NRH, यहां लोन पेयर बच जाता है और HX बाहर हो जाता है। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन बना, 1 डिग्री अमीन, ये बन जाता है 2 डिग्री अमीन। पुनः फिर HX के साथ RX के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, यहां ये अटैक कर देता है और HX बाहर हो जाता है और ये बना लेता है R, N, R, R, ये 3 डिग्री अमीन हो गया। पुनः फिर चूंकि इसके पास लोन पेयर रहता ही है तो पुनः फिर ये क्या करता है RX के साथ रिएक्शन करके और ये बना लेता है N, R, 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 R। चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो इस पे पास लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो समाप्त हो गया, तो ये पूरे पे आ जाता है प्लस चार्ज और यहाँ पे एक हैलोजन है तो हैलोजन पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं टेट्रा एल्काइल अमीनो एल्केन, सॉरी टेट्रा एल्काइल अमीनो हैलाइड। हैलोजन है, इसको क्या कहते हैं टेट्रा एल्काइल अमीनो हैलाइड, टेट्रा एल्काइल अमीनो हैलाइड, ये बना देता है टेट्रा एल्काइल अमीनो हैलाइड बना देता है। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग, इस रिएक्शन को
हम लोग बोलते हैं हॉफमैन, अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन करते हैं। देखते हैं हम लोग एग्जांपल पे कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि CH3Cl है, यहां पे NH3 के साथ, तो ये जो है यहां अटैक करेगा इस पे, क्योंकि यहां पे डेल माइनस और यहां पे डेल प्लस। न्यूक्लियोफिल हमेशा पॉजिटिव सेंटर खोजता है, जहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही सेंटर खोजता है। तो यहां पे अटैक किया इसके उपस्थिति में, इथेनॉल की उपस्थिति में इसको हिट किया, तो क्या बना लिया? CH3NH2+HCl बाहर कर दिया। इसको हम लोग नाम देंगे अमीनो, ये कार्बन है मीथेन, या हम लोग कह सकते हैं एल्काइल अमीन भी देते हैं, यानी मिथाइल अमीन कह सकते हैं। पुनः फिर जब ये एक्सेस अमाउंट में है, इसके पास लोन पेयर है, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, CH3Cl+CH3NH2, वही सेम पोजीशन, यहां डेल माइनस यहां डेल प्लस, यहां से अटैक करेगा सेम चीज, क्या बना लेगा? CH3N CH3H+HCl, इसको कहेंगे डाई एल्काइल अमीन, यानी डाई मिथाइल अमीन, या एन एल्काइल अमीनो एल्केन भी कहते हैं, यानी कि एन मिथाइल अमीनो मीथेन। पुनः फिर CH3Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा CH3N CH3H, पुनः फिर ये यहां पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा? सेम टू सेम कंडीशन है, यहां डेल माइनस यहां डेल प्लस, तो बना लेगा आपका CH3N CH3CH3, यहां पे लोन पेयर HCl, ये बना लेगा ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन बना लेगा। पुनः फिर देखिए CH3N CH3CH3 ट्रिपल बॉन्ड प्लस CH3Cl के साथ, यहां डेल माइनस यहां डेल प्लस, यहां पे अटैक करेगा, सेम कंडीशन बना लेगा CH3N CH3CH3CH3, इस पे पूरा पे चार्ज आ जाएगा आपका प्लस और Cl पे आ जाएगा माइनस, इसका नाम हो जाएगा टेट्रामिथाइल अमीनो क्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमीनो क्लोराइड। इस तरह से इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है
substitution by alkyl group. इसमें जो है एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन. इस जब हम लोग एल्काइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है. इसमें क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्केनाइड के साथ हिट करते हैं, एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्केनाइड के साथ हिट करते हैं तो एल्काइन की प्राप्ति होती है. एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्केनाइड के साथ जब हीट करते हैं तब जो है हमारा प्रोडक्ट बनता है एल्काइन. ये बनता है एल्काइन. देखिए रिएक्शन से CH3Cl प्लस NaC(CH3) यहां से बाहर हो जाएगा, फिट करेंगे तो ये बना लेगा CH3(CCH3)+NaCl. इसको कहेंगे, नाम दे देंगे 1, 2, 3, 4. नाम इसका क्या बनेगा? ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन इसका नाम पड़ जाएगा. अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं CH3CH2Br+NaC(CCH3). यहां से ब्रोमीन के साथ बाहर हो जाएगा, हिट करेंगे तो आपका बना लेगा प्रोडक्ट CH2CCH3+NaCl. इसका नाम पड़ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पेंट टू आइन, पेंट टू आइन ये बन जाएगा. यानी कि जब हम लोग एल्काइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हम लोगों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्काइन बनेगा. अंडरस्टैंड? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पे उतारिए. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप. इसमें जो है थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जब हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो थायो अल्कोहल का निर्माण होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल का निर्माण होता है. तो इसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं तो हमारा
थायो अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी कि एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हीट करते हैं, ये बन जाता आर एस एच प्लस एन एक्स, ये थायो अल्कोहल बोलते हैं इसको, थायो अल्कोहल। या एल्केन थायोल भी बोलते हैं। तो CH3Cl इसको NaSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ इसको हीट करते हैं तो ये बना लेता है आपका, यहां से क्लोरीन को लेकर के बाहर हो जाता है और ये बना लेगा CH3SH प्लस NaCl, इसको कहेंगे मिथाइल थायो अल्कोहल, मिथाइल थायो अल्कोहल। इसी तरह से अगर CH3CH2Cl इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, हीट करेंगे ये बना लेगा C3CH2SH प्लस NaCl, इसको हम कहेंगे इथाइल थायो अल्कोहल। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा थायो अल्कोहल का निर्माण हुआ कब, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराया। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में तो आप लोग मेरा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे हौसला को बढ़ाते रहें, और जो भी समस्या हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।